स्वदेश। स्वदेश एक ऐसी मूवी जो सही वक्त से पहले रिलीज़ हो गई। स्वदेश एक ऐसी मूवी जिसने दर्शाया कि आज भी भारत कितना पीछे है। स्वदेश एक ऐसी मूवी है जो लोगों की सोच दर्शाता है। एक मोहन भार्गव नामक इंसान जिसे भारत की मिट्टी तक प्यारी नहीं है, वो भारत को एक ऐसा देश समझता है जो दूसरों देशों से कंधा नहीं मिला सकता। पर किसी कारणवश उसकी कदम भारत देश के एक छोटे से गांव पर पड़ती है और मोहन साहब उस गांव का पानी भी नहीं पीना चाहता, इसके लिए वो मिनरल वाटर पीता रहता है। इस मूवी में ना मसालेदार गाने हैं, ना कोई तीखी बहस, ना कोई लड़ाई। अगर इस मूवी में लड़ाई है तो वो है मोहन भार्गव और गांव के लोगों के बीच। अगर उन लड़ाइयों के नाम है तो वो है जातियों में ऊंच नीच। अगर उन लड़ाइयों के नाम है तो वो है लड़कियों का सम्मान। अगर उन लड़ाइयों का नाम है तो वो है गांव की तरक्की। अगर उन लड़ाइयों का नाम है तो वो है किसान। अगर उन लड़ाइयों का नाम है तो वो है अमीर और गरीब। और ये मूवी कहीं हिट करती है तो वो एक सीन है जहाँ पे मोहन भार्गव भारत देश के एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के के हाथ से पहली बार पानी पीता है और उसके चेहरे पे जो दर्द दिखता है उस गरीब लड़के के लिए। तो दोस्तों, मास्टरपीस फेल्ड एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। एंड स्वदेश मास्टरपीस फेल्ड का एक हिस्सा है जिसमें शाहरुख खान ने अपना बेस्ट दिया था, पर उस वक्त लोगों को सिर्फ मसालेदार मूवीज़ ही पसंद थी विद आइटम सॉन्ग्स। स्वदेश भारतवर्ष की पहली मूवी थी और एक लौती मूवी है जिसकी शूटिंग नासा में हुई है। स्वदेश को डायरेक्ट किया था लगान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर ने अका आशुतोष ग्वारीकर। एंड आशुतोष ग्वारीकर ने इस क्लासिक मूवी को SRK से पहले दो बड़े एक्टर को अप्रोच किया था, उन दोनों के नाम है आमिर खान एंड ऋतिक रोशन। एंड इस मूवी को गाना AR रहमान ने दिया था। एंड इस मूवी के लिए SRK को बेस्ट एक्टर और आशुतोष ग्वारीकर को बेस्ट डायरेक्टर एंड स्वदेश को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। पर इतना सब होने के बाद जब हम पीछे देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक क्लासिक फेल्ड मूवी है एंड देयर इज़ मैनी रीज़न विच क्रिएटेड दिस मूवी डिज़ास्टर। एंड उसमें से एक मेन रीज़न था अहेड ऑफ इट्स टाइम। जब हम 2004 में देखते हैं तब हमें सिर्फ कमर्शियल मूवी देखने को मिलती है जो कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल धूम, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज़ एंड वीर ज़ारा वगैरह वगैरह। एंड ये सारी मूवी सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर थी। एंड इन सारे मूवी के बीच में स्वदेश और लक्ष्य जैसी मूवी फ्लॉप हो गई। एंड इसके बाद कोई रीज़न है तो वो है SRK स्वदेश एक्सेप्शन। उस वक्त SRK सिर्फ रोमांस के लिए फेमस था एंड सब लोग SRK को दूसरे रोल में देखने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज उस साल SRK की दो मूवी आई थी जिसने SRK को और बिल्डअप दिया था। एंड वो दो मूवी के नाम थी वीर ज़ारा एंड मैं हूं ना। स्वदेश जैसी कल्ट क्लासिक मूवी सालों में एक बार आती है एंड हमारा सिर्फ एक ही जवाब रहता है उस मूवी के लिए, तुम समय से पहले आ गए। इस मूवी के हर एक डायलॉग का अपना एक अलग एक्सप्लेनेशन है। तो बस दोस्तों, ये मूवी को मिस मत करना। ये मूवी एक आईना है जिसमें हम सबको अपनी शक्ल देखनी चाहिए। एंड अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं आगे और ऐसे एपिसोड ला पाऊँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय बाय।